अरे खड़गे जी सुनिए, मैं धैर्यपूर्वक सुना हूँ। कांग्रेस को लोकतंत्र पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आप क्या बात करते हो लोकतंत्र की? क्या असंसदीय है चर्चा करे जरा खड़े होकर। वैसे ही व्यवधान करने के लिए खड़े हो जाते हैं, जरा समझाइए। मान्यवर मेरा निवेदन है, मान्यवर मेरा निवेदन है, असंसदीय क्या है इसमें इसकी चर्चा की जाए। मैं पूछना चाहता हूं, तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी आज एक मंच पर है, किस सिद्धांत के तहत है जरा बताइए तो मुझे, किस सिद्धांत के तहत है? पूरा जीवन एक तृणमूल कांग्रेस पार्टी का जन्म ही कम्युनिस्टों का विरोध करते हुए हुआ है। कांग्रेस पार्टी से वो इसलिए अलग हुए, कि नरसिम्हा राव जी ने कम्युनिस्ट पार्टी से हाथ मिला लिए और आज सत्ता प्राप्त करने के लिए वो इनके साथ बैठे। एक कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी केरल में तो यूडीएफ एलडीएफ कर एक दूसरे की जान लेने पर आमादा है और वहां इलू कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये जनता दल, ये जेडीएस, माननीय अध्यक्ष जी जेडीएस, ये नीतीश कुमार जी है, जेडीयू ये नीतीश कुमार जी है, जिनकी राजनीति चारा घोटाले का विरोध कर हुई। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी कहते थे, मैं पान का बंडवारी बन जाऊंगा मगर कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा, लालू के साथ नहीं जाऊंगा। मान्यवर ये साथ में आ गए, साथ में क्यों आए? मान्यवर मान्यवर ये साथ में क्यों आए हैं? ये साथ में इसलिए आए हैं कि उनको भरोसा है कि अकेले कुछ हो नहीं सकता, इकट्ठा हो जाओ तो कुछ तो कर पाएंगे। मगर मैं आज बताना चाहता हूं मान्यवर, और 5-10 लोगों को जोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला है। 24 मई में फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री।